हेलो एवरीबॉडी व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिकली फली इफ यू न्यू टू माय चैनल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ईच एंड एवरी सिंगल टाइम आई विल बी ऑनलाइन एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ सी एन शंकर राव दैट इज सोशियोलॉजी इन इंडिया आफ्टर दैट हमारा पूरा खत्म हो गया चैप्टर 1 थैंक गॉड इतना बड़ा चैप्टर था लेकिन मैं इसको इतना स्लो इसलिए लेकर के जा रही थी क्योंकि फर्स्ट अब मुझे ऐसा चाहिए था कि हम सी एन शंकर राव पढ़ रहे तो ऊपर ऊपर से ना पढ़े ठीक है ऐसा पढ़ ले कि आपको किताब दोबारा छूने की जरूरत ना पड़े तो आपका चैप्टर वन उस तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया है कल से हम चैप्टर टू चालू कर रहे हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड प्लीज शेयर विद ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन रियली वॉन्ट टू स्टडी सी एन शंकर राव चलो तो सोशोलॉजी इंडिया में कैसे आया किस समय आया एंड हु आर द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस थिंग वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे एंड सोशोलॉजी का जो गोल है वो क्या है तो सोशोलॉजी इंट्रोड्यूज टू इंडिया एज एकेडमिक डिसिप्लिन एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब एज अ सब्जेक्ट की तरह जो है वो हम लोग वर्ल्ड वॉर वन के समय से इसको पढ़ना चालू करें ठीक है जब वर्ल्ड वॉर वन हो रहा था ना लोगों के बीच में बड़ी डिस्टर्बेंस होती थी फिर न्यूक्लियर फैमिली डोमेस्टिक वॉयलेंस मतलब बहुत कुछ हो रहा था उस समय बहुत तंगी थी महंगाई थी तो यार समाज बहुत ही डामाडोल चल रहा था अगर देखा जाए तो, तो इसलिए वर्ल्ड वॉर वन के समय में एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ पहले तो ऑफकोर्स हम लोग समाज के बारे में पढ़े थे लेकिन, subject, अब जो है, जो जैसे कि सोशोलॉजिकल बुलेटिन एंड आगरा में जर्नल ऑफ सोशल साइंसिस मेन सोशोलॉजिस्ट इंडिया में थे उस समय दैट इज जी एस घोरिये आर के मुखर्जी डी पी मुखर्जी एम एन श्रीनिवास एक्सेट्रा एंड कंपेयर किया जाए अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के साथ में तो इंडिया में उतना ज़्यादा आज भी उतना पॉपुलर नहीं है ठीक है जिस लेवल का पॉपुलैरिटी फॉरेन कंट्रीज में है सोशियोलॉजी का उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है ठीक है तो इस तरीके से हम बताना आपको चाह रहे हैं नाइनटीन की बात अगर की जाए तो सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पेट्रिक गीड्स जो हैं उन्होंने सोशोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत की और उसके बाद जी एस जो हैं वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें नाइनटीन से लेकर नाइनटीन नाइनटीन तक और अगर इंडिया में हु इज नोन एज दी फादर ऑफ सोशोलॉजी काइंड ऑफ थिंग तो ऐसे तो ऑगस्ट कॉम्टे पूरे वर्ल्ड में लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो हम जी एस घुरिये को बोल सकते हैं ऐसा नहीं है कि क्लेम किया गया है कि यही है लेकिन काइंड kind ऑफ of हम बोलते हैं जी एस घुरिये को ही नाइनटीन ट्वेंटी फोर में इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी जो है वो बनाई थी ठीक थी। है तो ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ सोशलॉजी इन इंडिया ठीक अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने और क्या काम किया तो जी एस घुरे इज अ घोरे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है थर्टी फाइव ईयर्स तक हेड किया है ओके बॉम्बे यूनिवर्सिटी को अब इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी देख लीजिए सोशोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि हमारा जो मॉडर्न सिचुएशन है जो कि लगातार कुछ ना कुछ नया चीज आ रहा है उससे किस तरीके से डील करना है तो पहले आपको समाज को समझना पड़ेगा अगर आप समाज को समझेंगे नहीं तो आप डील कैसे करेंगे ओके okay. और जो भी जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स होती है कास्ट की प्रॉब्लम होती है रिलीजन की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है दंगे फसाद सोशल मूवमेंट्स इंटरकास्ट मैरिज से वट एवर द प्रॉब्लम्स हैव और रिलीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है सब का जो जड़ है दैट इज सोशलॉजी अगर हम सोशोलॉजी को समाज को समझ जाएँ ठीक है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी ही नहीं तो ये कुछ चीज़ है जो कि सोशोलॉजी डील करती है आई होप दैट यू अंडरस्टूड दी एंटायर चैप्टर वेरी वेल ये आपका आखिरी चैप्टर था सॉरी आखिरी पार्ट था चैप्टर वन का इसके बाद हाँ मैं ना सोच रही थी कि एक प्ले बना दूँ संडे वगैरह को जब मेरे पास टाइम रहेगा ना तो मैं प्ले बैठ के बना दूंगी तो फिर सी एम शंकर और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं तुरंत यहाँ पर आओ प्ले लिस्ट खोलो खत्म ठीक है तो इस तरीके से हम चीजों को कर लेंगे सो थैंक यू सो मच एंड सीन द नेक्स्ट वीडियो बाय